प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसकी श्योरिटी के लिए टोंग खुद उस क्लाइंट से उनके शहर फ्लाइट पकड़ के जाने वाला होता है। रुआन और दाइजिंग रात भर क्लाइंट के लिए इंतजार करते गए और वो सुबह सुबह आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने। दाइजिंग और रुआन को लग रहा होता है ये सब कुछ रुआन के एफर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन हो जाने के बाद वो लोग चले जाते हैं। टोंग दूर से रुआन की सक्सेस की खुशी एंजॉय कर रहा होता है। दाइजिंग रुआन को बहुत बार अप्रिशिएट करता है। रुआन सच में बहुत खुश होती है। मैनेजर ने कहा था कि अगर वो इस टास्क को पूरा करती है तो वो उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, पर वो रुआन से ये कह के मना कर देते हैं कि उसकी पर्सनल इशू की वजह से क्लाइंट ऑलमोस्ट जा चुके थे, आगे भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए वो उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दाइजिंग को इस बात पे गुस्सा आने लगता है। वो मैनेजर से बात करने जाना चाहता है पर रुआन उसे रोकती है। पर दाइजिंग थोड़ी ना इतनी आसानी से इस बात को जाने देता। वो अपने दादाजी से कह के रुआन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा देता है। रुआन को बहुत अजीब लगता है मैनेजर का उसे यूं अचानक से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना। दाइजिंग उसे उसके एबिलिटी के ऊपर विश्वास रखने के लिए कहता है और दूसरों की बातों पे ध्यान देने से मना करता है। दाइजिंग सबसे रुआन को इंट्रोड्यूस करवा देता है। दाइजिंग के दादाजी बार बार उसे रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हाथ मिलाने के लिए कहते आ रहे होते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इससे वो टोंग की कंपनी को टक्कर दे पाएंगे। पर दाइजिंग ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि टोंग से दुश्मनी निभाने के दौरान वो रुआन को दर्द नहीं देना चाहता था। उसके लिए रुआन इम्पोर्टेंट होता है, ना कि बिजनेस। अब दादाजी को दाइजिंग की बातें बहुत ही चाइल्डिश लगती है क्योंकि बिजनेस में इमोशन की कोई जगह नहीं होती है। और ये बात समझाने के लिए वो दाइजिंग को बता देते हैं कि टोंग ने खुद क्लाइंट के हेड ऑफिस जाके कन्विंस किया था, इसलिए उनका काम बन पाया था। इसलिए वो ये ना सोचे कि उनके इंतजार करने की सिंसियरिटी को देख के वो लोग पिघल गए थे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए राजी हो गए थे। बिजनेस ऐसे ही होता है, सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं बनता, इसके लिए काम करना पड़ता है, जो कि टोंग ने कर दिखाया। दाइजिंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है। दाइजिंग के दादाजी रुआन को एक कार्ड के तौर पर यूज करना चाहते थे, पर दाइजिंग ऐसा नहीं होने देना चाहता था। रुआन को और डोडो पे बोझ नहीं बनना था। वो अपने लिए ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट में ली होती है, जहां वो आज शिफ्ट होने वाली होती है। दाइजिंग भी उसे पिक करने आया होता है। वैसे डोडो का बिल्कुल भी मन नहीं था रुआन को जाने देने का। ऑफिस में सभी रुआन को लेके बात करने लगे थे। वो सब कह रहे होते हैं रुआन के साथ टोंग की रिलेशन की वजह से ही उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, जरूर उसी ने रुआन की मदद की होगी। तब दाइजिंग उनसे कहता है रुआन उनकी तरह काम छोड़ के गॉसिप नहीं करती फिरती है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे भी साइन ले आई, जो उनसे तो नहीं हो पाया। तब सभी अपने अपने काम पे जाने लगते हैं। रुआन जब ऑफिस आती है तब सभी उसे इग्नोर करने लगते हैं और ऐसा वो सब हर जगह करने लगते हैं। रुआन को इस बात के लिए उदास होते देख दाइजिंग फिर से उसे चीयर अप करने लगता है। बाद में रुआन को इनके मुंह से पता चलता है कि उसकी ये सक्सेस टोंग की वजह से है। रुआन को खुद से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो डोडो को मिलने बुलाती है। डोडो उसे समझाती है, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे को यूं दूर रख के टॉर्चर कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, पर दोनों को ही नहीं पता एक दूसरे को वो कैसे फेस करेंगे। रुआन कहती है सच में उसे नहीं पता इतना सब कुछ होने के बाद वो कैसे टोंग को फेस करेगी। डोडो उसे पुरानी सब बातों को भूल के टोंग से थैंक यू कहने के लिए कहती है। रुआन टोंग को मैसेज में थैंक यू कहती है, पर टोंग उसे फोन करके कहता है अगर उसे सच में थैंक यू कहना है तो वो सामने आके कहे। वो उसे अगले दिन एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। रुआन से बात करके टोंग तो उछलने लगता है, पर अगले दिन टोंग की मॉम रुआन के घर आके उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है और भी बहुत सारी बातें वो रुआन को नीचा दिखाने के लिए कहती है। रुआन भी सीना चौड़ के कहती है उनके बेटे के साथ उसका कोई मतलब नहीं है, उनके बीच ना तो कुछ है और ना ही कभी कुछ होगा। रुआन उन्हें चले जाने के लिए कहती है। टोंग की मॉम उसे अपने बातों को याद रखने के लिए कह जाती है। एक तरफ दाइजिंग रुआन को प्रपोज करने के लिए प्रिपेयर हो रहा था और दूसरी तरफ टोंग भी रुआन के आने का इंतजार कर रहा था, पर दोनों की ही किस्मत खराब होती है। दाइजिंग को उसके दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से फोन करके बुलाया जाता है और उसे वहां जाना पड़ता है, और इस तरफ रुआन के बदले एजी आ जाती है। टोंग के पूछने पे वो कहती है उसकी मॉम ने कहा था आने के लिए। टोंग उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसे फोन करना होता है। वो अपने असिस्टेंट से फोन पे जानना चाहता है उसकी मॉम को कैसे पता चला कि वो कहां टेबल बुक किया है। वो कहता है शायद
शायद उसका शेड्यूल देख के पता चला होगा। फिर टोंग अपनी मॉम के ड्राइवर से जान पाता है कि रुआन जिस जगह पे रहती है उसकी मॉम भी वहाँ गई थी। फिर वो एजी को वही छोड़ के अपने मॉम से जवाब मांगने आ जाता है और उनके बीच हमेशा की तरह एक ही टॉपिक पे आर्ग्यू चलने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं रुआन के पास एक पार्सल आता है जिसमें टोंग कार्टून के जरिए अपना सॉरी भेजा होता है। उसमें से एक पेज में एक निशान ड्रॉ किया होता है, जो निशान रुआन के पास एक ड्रॉइंग होती है उसमें भी होता है और वो इस ड्रॉइंग को बचपन से कैरी करते हुए आ रही होती है। उसे जानना होता है क्या ये ड्रॉइंग भी टोंग ने ही किया था। वो जल्दी से तैयार होकर टोंग के पास जाने लगती है। रुआन के पूछने पे टोंग हैरान होकर कहता है उसे कहाँ से मिला था ये ड्रॉइंग। एक्चुअली उस दिन रुआन को पता चला था कि उसकी मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो समुन्द्र के किनारे उदास होकर खड़ी थी। उस तरफ टोंग के पापा बिजनेस की वजह से परेशान थे, इसलिए वो टोंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और टोंग पे गुस्सा भी कर बैठे थे। इसलिए टोंग भी तब अपने पापा पे गुस्सा होके यहाँ पे आया था। रुआन को ऐसे देख के उसने उसे ड्रॉ किया था और जाने से पहले वो उस ड्रॉइंग को वही छोड़ गया था। पर रुआन अभी तक इसी विश्वास में जी रही थी कि वो ड्राइंग उसकी मम्मी पापा के तरफ से आखिरी गिफ्ट थी, उन्होंने ही उसके लिए वो छोड़ा था। बात करते करते टोंग अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और वो क्यों रुआन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है वो भी बताता है। बाद में दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं। रुआन अपनी फीलिंग्स मतलब वो टोंग के लिए जो फील करती है वो सब उसे बता देती है, पर बदले में वो टोंग से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती है। टोंग उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। रुआन कहती है फिलहाल के लिए तो वो उसे माफ कर दे, इतना ही उसके लिए काफी है। रुआन जब जाने लगती है तब टोंग उसे रोकता है और आखिरकार वो उसे कह ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर टोंग उसे किस करता है। अब से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। जाते जाते टोंग की मॉम का कॉल आता है। फोन रखने के बाद रुआन टोंग की मॉम की वजह से बहुत परेशान होने लगती है, पर टोंग उसे कहता है वो सब संभाल लेगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुआन को ऑफिस छोड़ते वक्त टोंग फिर से उसे किस करता है। अब नया नया प्यार था तो दिल में गुदगुदी होना तो नॉर्मल सी बात होती है, पर इस वजह से रुआन और दाइजिंग के दोस्ती के बीच थोड़ा सा दरार आ जाता है, क्योंकि तुम जब एक रिलेशन में जाते हो तब एक मेल फ्रेंड के साथ पहले की तरह घुल मिल नहीं सकते हो और ये बात तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तुम खुद अंदर से फील करते हो। रुआन का भी वैसा ही हालत होती है। वो अब दाइजिंग से ठीक से बात करने में ऑकवर्ड फील करने लगती है। जितना हो सके वो दाइजिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, पर दाइजिंग के दिमाग में तो उसे प्रपोज करने का बात घूम रही होती है और उसे ये यकीन भी था कि रुआन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। दाइजिंग उसे पोस्टपोन्ड हुआ डिनर को फिर से कंटिन्यू करने के लिए कहता है, पर इस बारे में रुआन को अभी टोंग की परमिशन की जरूरत थी। टोंग को वो कहीं इस छोटी छोटी बात पे खो ना दे, इसीलिए वो उसे भी बुलाती है। दाइजिंग अपने अंदर हिम्मत लाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। रुआन को ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो टोंग को फोन करके बुलाती है दाइजिंग को घर भेजने के लिए, पर टोंग को आते आते देर होते देख रुआन खुद ही उसे घर छोड़ने आती है। बाद में टोंग रुआन को रेस्टोरेंट से फोन करता है तो रुआन उसे दाइजिंग का एड्रेस देती है। रुआन जब जाने लगती है तब दाइजिंग उसे प्रपोज करता है। वो कहता है पहले दिन से ही वो उसे प्यार करने लगा था, पर रुआन के लिए उसका प्यार एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। वो अपने नए रिलेशन के बारे में बताते हुए जाने लगती है। टोंग उसे लेने आ चुका होता है और हर बॉयफ्रेंड की तरह वो भी रुआन पे गार्डियन वाली हक जताता है। वो रुआन को अपने घर ले आता है और उसे ये गिफ्ट करता है। रुआन के लिए भी ये गिफ्ट दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। टोंग फिर से रुआन को किस करता है। अगले दिन दाइजिंग रुआन से माफी मांगता है। रुआन कहती है कल जो भी हुआ था वो दोनों ही ऐसा प्रिटेंड करे कि कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में टोंग रुआन के घर आता है। बातों ही बातों में उसे ये पजल दिखने को मिलता है। रुआन कहती है उसे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तब टोंग को दाइजिंग की बात याद आने लगती है। फिर टोंग उससे पूछता है क्या कल रात भी वो उसे ही छोड़ने गई थी। टोंग के फिर से गार्डियन वाली एटीट्यूड को देख के रुआन उसे अश्योर करती है कि वो सिर्फ उसका दोस्त है, उसने उसकी बहुत मदद की थी। अगले दिन टोंग अपने असिस्टेंट से दाइजिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। अगले सीन में टोंग रुआन को ऑफिस से पिक करने आता है और दाइजिंग दूर से ये सब देख रहा होता है। बाद में वो अपना गुस्सा इस पे निकालने लगता है। उस तरफ टोंग रुआन के लिए खाना बना के ले आता है। टोंग उसे फिर से उसके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर रुआन को सच में अपने दम पे कुछ करना था, क्योंकि वो ऐसा फील नहीं करना चाहती थी कि टोंग ने उसे हेल्प किया। वैसे वो उसके हेल्प को अप्रिशिएट नहीं करना चाहती थी, ऐसा नहीं है, वो बस खुद
से कुछ करना चाहती थी और वो एक्सपेक्ट करती है कि टोंग उसके फैसले को रिस्पेक्ट करे। टोंग के लिए भी रुआन की खुशी ही मैटर करती थी।